नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आपका स्वागत करती हूं एसपीएल हेल्थ चैनल में। दोस्तों, बालों को काला करने या फिर कलर देने के लिए हम अक्सर हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लुक बदलने का सबसे आसान और सस्ता तरीका है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि कई प्रकार के हेयर डाई में ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जिससे आपके त्वचा को एलर्जी हो सकती है। केमिकल युक्त हेयर डाई के इस्तेमाल से आपके त्वचा पर लाल निशान, धब्बे, छोटी छोटी फुंसी या फिर रैशेस भी आ सकते हैं। केमिकल युक्त हेयर डाई के कारण त्वचा को होने वाले एलर्जी से बचने के लिए आप कुछ घरेलू नुस्खों को आजमा सकते हैं। नंबर एक, एलोवेरा का इस्तेमाल त्वचा की सभी समस्याओं के लिए किया जा सकता है। एलोवेरा में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं और इसीलिए ये आसानी से स्किन एलर्जी को ठीक कर सकता है। हेयर डाई के एलर्जी से होने वाली खुजली या सूजन को ठीक करने के लिए एलोवेरा जेल बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा ये बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल के लिए अपनी उंगलियों से एलोवेरा जेल लेकर सूजन, रैशेस या खुजली वाली जगह 30 मिनट लगाकर रखें। और ध्यान रहे दोस्तों कि स्कैल्प में दाने या स्किन इन्फेक्शन होने पर तेल या शैम्पू का प्रयोग भूलकर भी ना करें। नंबर दो, नीम एंटीबैक्टीरियल होने के कारण त्वचा संबंधित सभी बीमारियों को दूर करने का काम करते हैं। स्किन एलर्जी को दूर करने के लिए नीम की पत्तियां 6 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखें, उसे पीस लें और उस लेप को त्वचा पर 30 मिनट तक लगाकर रखें और पानी से धो लें। नंबर तीन, नींबू का रस एंटीसेप्टिक और एस्ट्रेंजेंट गुणों के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या दोस्तों, आप जानते हैं नींबू के रस का इस्तेमाल डाई एलर्जी के इलाज के लिए भी किया जाता है। यह बालों के रंग के कारण होने वाली एलर्जी से सिर को राहत देने में मदद करता है। दही के साथ नींबू का रस बालों के रंग के प्रयोग के बाद स्कैल्प एलर्जी के इलाज में बहुत फायदेमंद होता है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।